हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और दोस्तों, अगर आपके पास रेडमी नोट 10 है और आप सभी लोग उसमें कैमरा सेटिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप सभी लोग रेडमी नोट 10 के फ़ोन पर कैमरा सेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे आपको कैमरा सेटिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पर यहाँ पे कैमरा को ओपन कर लेना है। कैमरा को आप जैसे ही ओपन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको ऊपर की ओर ये वाला ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पे आपको फर्स्ट में वाटर मार्क का सेटिंग करने को मिल जाता है। यहाँ पे आप वाटर मार्क को अगर दिखाना चाहते हैं या तो फिर नहीं दिखाना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप उसको सेटिंग कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है कि आपको जो है किस तरीके से जो है अपना पिक्चर क्वालिटी यहाँ पे जो है रखना है, तो हाई, मीडियम एंड लो कैटेगरी का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन फंक्शन का ऑप्शन भी मिल जाता है। यहाँ पे इसको भी आप जो है अपने फ़ोन पर सेटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप जो है फ़ोटो में ज़्यादा ही फ़ोटो में अगर आप जो है ब्लर मतलब कि जो है फोकस करना चाहते हैं, किसी भी जो किसी का भी फ़ोटो खींचते हैं आप उसको यहाँ पे फोकस करना चाहते हैं, तो ये वाला सेटिंग को आप इनेबल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे प्रेस एंड होल्ड शटर बटन का भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे भी आप इसको जो है सेटिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, यहाँ पे आपको पॉकेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सभी लोग जो है अपने फ़ोटो को यहाँ पे जैसे ही खींचते हैं, तो वो अगर आपके फ़ोन पर यहाँ पे चला जाता है, तो आप उसको अगर एचडी कार्ड में यहाँ पे लाना चाहते हैं, तो वो भी सेटिंग आप यहाँ पे इनेबल करके कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों, आपको काफ़ी सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाती है। और लास्ट में आपको रिस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग का जो ऑप्शन है, तो वहाँ पर आप क्लिक करके कैमरा सेटिंग को रिस्टोर कर सकते हैं, यानी कि रिसेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, इसी तरीके से आपको अपने फ़ोन पर कैमरा सेटिंग करना है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।